नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा और न्यूज चक्र में आज हम दो सवाल पूछने वाले हैं। मुद्दा नंबर एक, 21वें करगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की तो याद आई, मगर आखिर चीन के विश्वासघात पर अब भी क्यों खामोश हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मुद्दे पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने करारा हमला बोला है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही राजस्थान के अंदर जो सियासत चल रही है, जो कल्पना से भी विचित्र है, बहुत जबरदस्त खेल चल रहा है जिसमें मायावती कूद पड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी को बचाने। राज्यपाल का किरदार बहुत ही विवादित है और उससे लोकतंत्र का जो मजाक उड़ रहा है उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे 21वें करगिल विजय दिवस की। प्रधानमंत्री मन की बात में देश से रूबरू हुए, उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया, कहा कि पाकिस्तान ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। मगर इस विश्वासघात के मौके पर क्या हम इस बात को लेकर भूल सकते हैं कि कुछ ही दिनों पहले हमारे अपने 20 सैनिक LAC पाकिस्तान चाइना के साथ लगी हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस विश्वासघात की याद क्यों नहीं आती? मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में करगिल के बारे में क्या कहा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री को चीन पर भी क्यों नहीं बोलना चाहिए। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं, इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप कल्पना कर सकते हैं ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान, लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। जबरदस्त बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, और मैं आपको बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर इस बात को कोई और नहीं रख सकता था। मगर आज कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आखिर क्या वजह है कि अब जबकि खबरें आ रही कि चीन अभी भी उन इलाकों में बना हुआ है जो कि भारतीय जमीन है, मगर प्रधानमंत्री ने अब तक एक बार भी चीन का नाम कहीं भी नहीं लिया, चीन शब्द का जिक्र नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं अभी ताजा स्थिति क्या है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है कर्नल अजय शुक्ला की, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। ये वो कर्नल अजय शुक्ला हैं जिन्होंने मई के महीने में बता दिया था कि किस तरह से चीन हमारे घर में आकर बैठा हुआ है, मगर सबने अनसुना कर दिया। यही नहीं, अप्रैल में हमारी अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने चेतावनी दी थी कि वहां हलचल हो रही थी, मगर करगिल की तरह इस बार भी उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। मगर इस वक्त ताजा स्थिति क्या बनी हुई है इस पर आपको नजर डालनी पड़ेगी। पैंगोंग सौ लेक के उत्तरी तट में इस वक्त जबकि खबर आ रही है कि फिंगर फोर से भारतीय और चीनी सैनिक पीछे हट गए हैं, मगर अब भी फिंगर 8 से 10 किलोमीटर अंदर चीनी सेना बनी हुई है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि अप्रैल तक हम फिंगर 8 तक जा सकते थे, अप्रैल तक फिंगर 8 तक LAC था, मगर चीन अब भी फिंगर 5 तक बना हुआ है, और फिंगर 5 से फिंगर 8 के बीच करीब 8 से 10 किलोमीटर का फर्क है। इसका अर्थ क्या हुआ कि चीन हमारी जमीन में 8 किलोमीटर बैठा हुआ है। मगर मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विश्वासघात का जिक्र नहीं करते। दूसरा मुद्दा, देपसांग सेक्टर में चीन बातचीत ही नहीं कर रहा है। बकौल बिजनेस स्टैंडर्ड के, चीन अब भी भारतीय जमीन में करीब 15 से 18 किलोमीटर बैठा हुआ है। यही नहीं, एक जगह है जिसका नाम है बॉटलनेक, इस पर चीन ने गतिरोध बना दिए हैं। नतीजा क्या हुआ है कि इससे पहले भारतीय सेना जहां जहां पेट्रोलिंग कर सकती थी, जहां जहां गश्त लगा सकती थी, अब वो नहीं लगा पा रही है। और वो कौन कौन सी जगह है आपके स्क्रीन पर, PP10 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 10, PP11 पेट्रोलिंग पॉइंट 11, PP11A, PP12 और पेट्रोलिंग पॉइंट 13। इन तमाम जगहों पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना जो है वो गश्त नहीं लगा पा रही है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर खामोश हैं। अब बिजनेस स्टैंडर्ड का एक और ग्राफिक जो बता रहा है कि भारत को कितना नुकसान कहां हुआ है, देपसांग में चीन पीछे नहीं हटा, 16 से 18 किलोमीटर का नुकसान, गालवान में चीन पीछे हट चुका है 1 किलोमीटर का फिर भी नुकसान, हॉट स्प्रिंग्स में आंशिक तौर पर चीन पीछे हटा है 1 से 3 किलोमीटर का नुकसान, पैंगोंग सौ में आंशिक तौर पर चीन पीछे हटा है 10 किलोमीटर का नुकसान, जो अब से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। अब
मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर क्या कहना है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन पर सवाल पूछने से हम देशद्रोही नहीं हो जाते। देशद्रोही वो हैं जो इस मुद्दे पर असलियत से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, आप खुद सुनिए। इट इज प्रीटी क्लियर दैट द चाइनीज हैव एंटर्ड आवर टेरिटरी। दिस डिस्टर्ब्स मी, इट मेक्स फ्रैंकली माय ब्लड बॉइल। हाउ कैन सम अदर नेशन जस्ट कम इनटू आवर टेरिटरी? नाउ इफ यू एज अ पॉलिटिशियन वांट मी टू कीप क्वाइट एंड लाई टू माय पीपल when I am absolutely convinced, I've seen the satellite photos, I speak to the ex-army people. If you want me to lie that the Chinese are not into this country, I'm not going to lie. I simply will not do it. I don't mind if my whole career goes to hell, but I'm not going to lie. I think the people who are lying about Chinese entering our country are the people who are not nationalistic. अब न्यूज चैनल आज तक की इस खबर पर गौर कीजिए जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ हिंसक झड़प हुई है। इसके बाद तनाव कम करने की कोशिशों के बीच अब चीन हिमाचल प्रदेश से लगती सीमा पर सड़क निर्माण कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का कुन्नू चारंग अंतिम सीमावर्ती गांव है। कुन्नू चारंग के ग्रामीणों ने चीनी क्षेत्र में रेकी करने के बाद यह दावा किया है कि पिछले 2 महीनों में चीन ने सीमा के करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। यानी कि क्या लद्दाख, क्या उत्तरांचल और क्या हिमाचल, तीनों जगहों पर चीन जो है वो घेरेबंदी कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर खामोश आखिर क्यों हैं? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? मगर हम इस मुद्दे पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम इस मुद्दे पर अपनी सरकार को भी कटघरे में नहीं रख रहे हैं। हम मानो एक काल्पनिक मायालोक में बसे हुए हैं जहां ऑल इज वेल। और अब न्यूज चक्र में हम आपके सामने पेश करने वाले हैं बदनुमा सियासत का ये चेहरा। जी हां, राजस्थान में इस वक्त जो संकट चल रहा है जिसमें इन दो चेहरों की जो भूमिका है वो विवादों से घिर गई है। एक तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती और दूसरी तरफ कलराज मिश्र जो कि राजस्थान के गवर्नर हैं। सबसे पहले बात मायावती की। मायावती ने लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ा, उन्हें 10 लोकसभा सीटें आ गईं और उसके बाद मानो वो धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्ष मोर्चे को पूरी तरह से भूल गईं। वो लगातार कांग्रेस के खिलाफ बयान देती रहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शायद ही इन्होंने कभी कोई बयान दिया। और अब आज ये दो सवाल उनसे पूछने की जरूरत है जो आपकी स्क्रीन पर हैं। सवाल नंबर एक, मायावती आखिर क्यों आई हैं राजस्थान में बीजेपी के बचाव में? सवाल नंबर दो, मायावती को क्या अब बीजेपी सांप्रदायिक नहीं लगती? आखिर वो बीजेपी के समर्थन में क्यों आ गई हैं? और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मायावती ने इस बात की घोषणा कर दी है कि उनके जो 6 विधायक हैं वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोट दें। मगर इसमें मामला बहुत दिलचस्प हो चला है क्योंकि 10 महीनों पहले ही इनके 6 के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। मगर इस पर मायावती क्या कह रही है या बीएसपी क्या कह रही है, आपके स्क्रीन पर वो लेटर। इसके अंदर बीएसपी ये कह रही है कि बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लिहाजा जब तक बीएसपी का राष्ट्रीय तौर पर कांग्रेस के साथ विलय ना हो तब तक इन 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को जायज नहीं माना जा सकता। अब वो कौन से विधायक हैं बीएसपी के जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, आपके स्क्रीन पर। करौली से लाखन सिंह, किशनगढ़ बस से दीपचंद, जोगिंदर सिंह अवाना नादबई से, नगर से वाजिब अली, तिजारा से संदीप कुमार, उदयपुर वटी से राजेंद्र सिंह गुड़ा। अब अगर मायावती के या बीएसपी के स्तर को मान लिया जाए कि बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है और जब तक बीएसपी का कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर विलय ना हो तब तक इस विलय को सही नहीं माना जा सकता। अगर इस तर्क को अदालत मान ले तो अशोक गहलोत मुश्किल में है। मगर आपको कुछ बातों पर गौर करना पड़ेगा। आपके सामने मैं 2 राजनीतिक घटनाएं पेश कर रहा हूं और दोनों मायावती की इस दलील को गलत साबित करते हैं। वो कौन सी 2 घटनाएं हैं? पहला, जून 2019 में 18 में से 12 कांग्रेस विधायक तेलंगाना राष्ट्र समिति में शामिल हो जाते हैं संविधान के 10वें स्केड्यूल के अंतर्गत। फिर उसके कुछ महीनों बाद जुलाई 2019 में गोवा में कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इसे भी वैध और मान्य करार दिया गया था। इसका अर्थ क्या हुआ
कि हमारे सामने दो नजीर हैं, दो मिसाल हैं जो ये साबित करती हैं कि अगर कोई राष्ट्रीय दल किसी राष्ट्रीय दल में उसके विधायक शामिल भी हो जाएं, उसे मान्य माना जाएगा। यानी कि मायावती की दलील यहां पर पूरी तरह से बेमानी साबित होती है और ऐसे में कुछ सवाल पूछना बहुत जरूरी हो गया है। मायावती पिछले कुछ अरसे से बीजेपी पर कम, कांग्रेस पर ज्यादा हमला कर रही हैं। मुद्दा नंबर दो, क्या मायावती पर केंद्रीय संस्थाओं का दबाव है? मुद्दा नंबर तीन, क्या उत्तर प्रदेश में बदलने वाला है राजनीतिक समीकरण? क्योंकि अगर आप कुछ पत्रकारों से बात करें तो वो मुझे यह भी बताते हैं कि इस बात में कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले बीजेपी और बीएसपी में गठबंधन हो जाए। यह अपने आप में बहुत दिलचस्प दिखाई देता है। इस वक्त अगर आप मुझसे निजी तौर पर पूछें तो मुझे नामुमकिन लगता है, क्योंकि मायावती की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं। अब अगर पार्टी योगी आदित्यनाथ को हटा देती है चुनावों से ठीक पहले, क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या हालात है, और बाद में मायावती और बीजेपी एक साथ मिल जाती हैं, चुनाव लड़ती हैं, तब देखने लायक स्थिति क्या होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी एक तीर से दो शिकार करेगी, यानी सत्ता में भी बने रहे और उसके जरिए दलित वोट बैंक को भी साध ले? देखने लायक बात यह होगी। मगर मायावती को खुद से यह बात पूछनी होगी कि बीजेपी का साथ देकर आपको क्या फायदा मिल रहा है बहन जी। तो एक तरफ मायावती जी की बात हो गई, अब हम बात करते हैं राज्यपाल कलराज मिश्र की, जो निहायत ही विवादास्पद है। जी हां, सांवैधानिक मान्यताओं को समझने वाले लोगों की जबरदस्त आलोचना के सामने अब जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र झुक गए हैं। अब वो कह रहे हैं और राज्य सरकार को नसीहत दे रहे हैं कि आप विधानसभा सत्र बुलाएं। वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि विधानसभा सत्र ना बुलाए जाने की उनकी ऐसी कभी मंशा नहीं थी। मगर राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीन शर्तें भी रख दी हैं। शर्त नंबर एक, आपने अपने प्रस्ताव में कहीं पर भी विश्वास प्रस्ताव का जिक्र नहीं किया है। क्या आप विश्वास मत हासिल करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। दूसरा, क्या 21 दिन बाद विधायकों को बुलाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त राज्य कोरोना संकट का सामना कर रहा है। और तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर आखिर किस तरह के नियम कानून अपनाए जाएंगे? मगर जाहिर सी बात है, इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से उनका बर्ताव रहा है, उनके रवैये पर सवाल उठना लाजमी है। वही बात अब हम आपके सामने एक एक करके रखने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि राज्यपाल बाध्य होते हैं, उन्हें मानना होता है कैबिनेट की सिफारिशों को, यानी कि राज्य सरकार की सिफारिशों को, मगर अब तक कलराज मिश्र इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। जी हां, अशोक गहलोत ने अब कहा है कि मैं 31 जुलाई को कोरोना के ऊपर एक विशेष सत्र बुलाना चाहता हूं। इससे पहले जब अशोक गहलोत ने मांग की थी तो उसे सिरे से खारिज कर दिया था, क्या कहते हुए कि मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा जब उस मुद्दे का वहां फैसला हो जाए तब हम विशेष सत्र बुलाएंगे। अब आप जानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने अपनी याचिका पीछे ले ली है। अब कलराज मिश्र के पास कोई औचित्य नहीं बचता अशोक गहलोत की इस मांग को खारिज करने के लिए। मगर मैं जानता हूं आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर कलराज मिश्र ये सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं। इसके लिए मैं आपके स्क्रीन पर सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके बात बताने वाला हूं। सबसे पहले, अगर सत्र बुलाया गया तो विश्वास मत पर वोटिंग होती है, तो संविधान में 10वें स्केड्यूल के पैराग्राफ 2(1)(b) के अंतर्गत सचिन पायलट के खेमे के तमाम विधायक बर्खास्त हो सकते हैं। अगर सचिन पायलट के खेमे ने वोट किया अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ तो इस पैराग्राफ 2(1)(b) के अंतर्गत वो बर्खास्त हो सकते हैं। मगर इस मुद्दे पर सचिन पायलट लगातार क्या कह रहे हैं? सचिन पायलट खेमे का कहना है कि यह धारा सिर्फ विधानसभा के अंदर विधायकों के आचरण पर लागू होता है, बाहर नहीं। यही वजह है कि ये लोग नहीं चाहते कि खेल किसी भी तरह से विधानसभा के अंदर शिफ्ट हो, क्योंकि जैसे ही मामला विधानसभा के अंदर जाता है तो सचिन पायलट से जुड़े तमाम विधायक जो हैं, या तो वो डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे या फिर डिस्क्वालिफाई होने के डर से वो लोग अशोक गहलोत के पास चले जाएंगे। यही डर सचिन पायलट को सता रहा है, यही डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है, और शायद यही डर राज्यपाल महोदय को सता रहा है। और यही नहीं, ये मामला जितना ज्यादा खिंचता है
हालात उतने ही ज्यादा अस्थिर बने रहते हैं। और हो सकता है कि इस वक्त जो विधायक अशोक गहलोत के पाले में हैं वो जंप करके बीजेपी या सचिन पायलट के पास आ जाएं। कम से कम यही उम्मीद सचिन पायलट और बीजेपी कर रहे हैं। ऐसे में मामले को अस्थिर बनाए रखने का यही एक मुद्दा, यही एक मकसद दिखाई देता है। मगर आज हम अदालत के एक अहम फैसले के आधार पर इस सवाल का जवाब देने वाले हैं कि क्या राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाए जाने की राज्य सरकार की मांग को खारिज कर सकते हैं। ऐसे में आपको गौर करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के नाबम रेबिया और बमांग फिलिक्स बनाम डेप्यूटी स्पीकर मामले में। इसमें फैसला क्या आया था यह मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसमें अदालत का यह फैसला था, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्टर्ड देयर ओरिजिनल कॉन्टेम्प्लेशन एंड कॉन्शियसली डिसाइडेड नॉट टू वेस्ट डिस्क्रेशन विद द गवर्नर इन द मैटर्स ऑफ समनिंग एंड डिसॉल्विंग द हाउस और हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि विधानसभा सत्र को बुलाए जाने और उसे भंग करने की ताकत सही मायनों में सरकार की होगी, राज्य सरकार की होगी, और ताकत गवर्नर के हाथ में नहीं होगी। ये इस फैसले से सामने उभर कर आया था। यही नहीं, इस फैसले में आगे ये भी कहा था, अदालत ने आगे क्या कहा ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सच अ नॉमिनी कैनॉट हैव एन ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हु कॉन्स्टिट्यूट द हाउस और द हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। यहां नॉमिनी कौन है? यहां नॉमिनी है राज्यपाल, और राज्यपाल किसके नुमाइंदे हैं? वो है राष्ट्रपति के नुमाइंदे। और अदालत का यह फैसला कहता है कि जो राष्ट्रपति के नुमाइंदे हैं वो राज्य सरकार से ज्यादा ताकतवर नहीं हैं ऐसे मामलों में, खासकर विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर। तो देखा आपने इस मामले में राज्यपाल की भूमिका कितनी विवादित हो जाती है, और ऐसे में अदालत की खामोशी भी बहुत कुछ कह रही है। तो एक तरफ अदालतें खामोश, राज्यपाल पूरी तरह से बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, और मायावती भी भारतीय जनता पार्टी को मदद करने में कुछ कसर नहीं छोड़ रही। तो ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह सवाल उठाया है कि पैंडेमिक के समय भी, यानी कोरोना संकट के समय भी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकारों को अस्थिर कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब जम्मू कश्मीर पूर्व मुख्यमंत्री ओमार अब्दुल्ला ने प्रियंका गांधी वाड्रा को यह जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सिर्फ कोरोना संकट के समय ही नहीं, किसी भी समय पर राज्य सरकारों को अस्थिर करना सही नहीं है। जी हां, अपने आप में यह एक सीधा संदेश जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। एक ऐसे समय जब देश जो है कोरोना संकट का सामना कर रहा है, राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने की बात की जा रही है, मुद्दों को भटकाने की बात की जा रही है। आप जानते हैं, मैंने एक डिबेट देखा था, उस डिबेट के अंदर यह शख्स गौरव भाटिया जो आपकी स्क्रीन पर है, यह कह रहे थे कि मुझे सबूत दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां कहा था कि हम 21 दिन में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीत जाएंगे। ये लोग कोरा झूठ बोलते हैं देश की जनता से, सफेद झूठ। सुनिए प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर क्या कहा था, और आप खुद फैसला कीजिए। महाभारत से तुलना की थी इसकी, अब आप खुद फैसला कीजिए कि प्रधानमंत्री यहां क्या कह रहे हैं। साथियों, याद कीजिए, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। देखिए, प्रधानमंत्री ने हमें वादा किया था हम 21 दिन में ये जंग जीत जाएंगे। अगर हम नहीं जीत पाए तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को कटघरे में नहीं खड़ा करूंगा। मैं जानता हूं हालात मुश्किल है, मगर भारतीय जनता पार्टी के फूहड़ नॉन सीरियस प्रवक्ता देश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? क्या यह सवाल उठना लाजमी नहीं है? अब ये माननीय है सांसद हैं राजस्थान से, हनुमंत बेनीवाल, इनका यह बयान आया था कि चूंकि इटली में जबरदस्त कोरोना फैला हुआ है इसलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी जांच कराई जाए। क्यों? क्योंकि ये दोनों इटली के रहने वाले हैं। अब जानते हैं क्या हुआ है, बेनीवाल साहब को खुद को कोरोना हो गया है।
वो क्या कहावत है ना, ईश्वर की लाठी, कुछ ऐसी कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही है, और वो अंग्रेजी में भी कहते हैं कर्मा। तो मैं ये कहता हूं बीजेपी के नेताओं से कि इस तरह के वाहियात बयान देने से बचें और मुद्दे की गंभीरता को समझें। और इसी तरह से मुद्दे की गंभीरता को हम आपके सामने न्यूज चक्र में लाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। नमस्कार।